कंकर इतना छोटा सा कि उंगली पर आ जाए, किंतु सोचिए यदि यही कंकर आंख में लग जाए तो कितनी बड़ी समस्या बन जाता है। अब सोचिए ये कंकर आपके मार्ग में है, आप पादुकाएं पहनकर बड़ी सरलता से आगे निकल जा सकते हैं, किंतु यदि यही कंकर आपके पांव और पादुकाओं के बीच फंस जाए तो आप ठीक से चल नहीं पाएंगे, भले ही वो मार्ग पुष्पों से भरा क्यों ना। अर्थात आप बाहर की समस्याओं से, उन चुनौतियों से लड़ सकते हैं, भीतर की नहीं। भीतर की समस्याओं से लड़ना अत्यंत कठिन होता है, इसलिए सर्वप्रथम आप भीतर से शक्तिशाली हो जाएंगे, भीतर से पूर्ण हो जाएंगे, फिर आप इस संसार के समस्त समस्याओं और चुनौतियों से लड़ सकते हैं, आप विजयी हो सकते हैं। राधे प्रेम, ये प्रेम इस संसार में किसे नहीं भाता, हर किसी ने प्रेम का अनुभव किया ही, हर कोई जानता है ये प्रेम कितना सुंदर है, क्यों ना? ये प्रेम भाव इस संसार में सबसे शक्तिशाली भाव, अब हर शक्ति के साथ आते हैं कुछ उत्तरदायित्व। अब जैसे ही ये उत्तरदायित्व हमारे जीवन में आते हैं, हम सर्वप्रथम प्रेम को भूल जाते हैं, फिर हमें ये प्रेम ये बोझ लगने लगता है। किंतु इस संसार का सत्य तो यही, हर प्रसन्नता के साथ उत्तरदायित्व आएंगे जिसका पालन हमें करना ही होगा। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं, आपके बगीचे में आप चाहते हैं कि एक सुंदर सा पुष्पों से भरा हुआ वृक्ष है, तो सर्वप्रथम उसके लिए आपको जल और धूप का आयोजन करना होगा, उसके जड़ों पर दीमक ना लगे ये आपको सुनिश्चित करना होगा, उसके आसपास उगी खरपतवार वो आपको हटानी होगी, उसी के पश्चात तो आपके उस बगीचे में वो सुंदर पुष्पों से भरा वृक्ष आएगा। क्यों? इसी प्रकार होता है प्रेम भी। सर्वप्रथम आपको इसमें समर्पण का खाद जल डालना होगा, अविश्वास और संदेह इसकी खलपतवार आपको हटानी हो, और विश्वास की ये जड़ें कभी ना दुर्बल पड़े ये आपको सुनिश्चित करना होगा, उसी के पश्चात प्रेम का वास्तविक सुख आप अनुभव कर पाए। राधे राधे। प्रेम, प्रेम क्या है सभी जानते हैं। सामान्य रूप से ये प्रेम आकर्षण से प्रारंभ होता है और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रेम का लक्ष्य क्या है, जिससे आपने प्रेम किया उसे पा लेना या ना पाने के कारण स्वयं को विचलित कर इस संसार से मुख मोड़ लेना। यदि कोई इन दोनों विकल्पों में से कोई एक चुनता है तो आपको बता दो, ये दोनों ही प्रेम का अंत है। प्रेम का असली अर्थ है समर्पण, संपूर्ण निस्वार्थ समर्पण, ऐसा प्रेम जिसमें जिनसे आपने प्रेम किया उसको पाने की प्रसन्नता आपका लक्ष्य नहीं, जिनसे आपने प्रेम किया उसे प्रसन्न करना आपका लक्ष्य हो, ये प्रेम ईश्वर है। किंतु यदि इस प्रेम में पूर्णतः समर्पित नहीं होंगे तो इस प्रेम में एक आकार नहीं हो पाओगे, किंतु यदि इस प्रेम में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया तो समझो इसी प्रेम में आप ईश्वर पाओगे। राधे राधे। सम्मान, संबंध, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हैं जैसे दीपक और बाती, ना कोई कम है ना कोई अधिक, दोनों का अधिकार समान होना चाहिए, जैसे पति पत्नी का संबंध।
अब इसमें पति का अर्थ स्वामी नहीं, साथी। उसका कर्तव्य है साथ देना, आदेश देना नहीं। और ये संबंध सहकार से बनता है, अधिकार से नहीं। हाथ बढ़ाने से बढ़ता है, उंगली उठाने से नहीं। यदि इस संबंध में एक दूसरे का मान रखोगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे, तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध अभिमान योग्य बनेगा। राधे राधे। सूर्य की किरणें कितनी दिव्य होती हैं ना, प्रतीत ही नहीं होता कि ये सूर्य रात्र भर अंधकार से जूझ रहा था। ये सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, ये भुलाकर कि पिछली सांझ में ये डूब गया था, फिर से उदित होता है, सारे संसार को प्रकाश देता है। यही अंतर है हम में और सूर्य। सूर्य बीती को बिसार कर आगे बढ़ता है, हम प्रतिदिन भोर में उठते हैं, वही पुरानी बातों को साथ लेकर चलते हैं, उसी कड़वाहट में स्वयं को लपेट लेते हैं। अब यही बीती बातों की श्रृंखला हमें जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देती। देखिए, यही जीवन है। भूल सबसे होती है, अपयश सबको मिलता है, सबकी यात्रा में असफलता लिखी है, सभी बुरे दिन देखते हैं, किंतु इन सारी बातों को भुलाकर जब जीवन में आगे बढ़ोगे, तभी तो इस संसार में, इस आकाश में सूर्य बनकर चमकोगे, तभी तो इस संसार को प्रकाश दोगे। इसलिए प्रतिदिन जागिए, एक नए जन्म के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ, क्योंकि ये बीती बातें आपको पीड़ा देने के लिए नहीं, केवल शिक्षा देने के लिए होती है। राधे राधे। नवरात्रि का पर्व आरंभ हो चुका है और ये पर्व अत्यंत भव्य है, क्योंकि ये पर्व जगत माता से जुड़ा है। मां कितना छोटा सा शब्द है, किंतु ठीक से देखो तो समस्त संसार इसी शब्द में समा है। मां जो अपनी संतान के लिए हर संभव प्रयास करती है, कुछ भी करने के लिए सज्ज रहती है। मां जिसका सबसे बड़ा गुण निश्चलता, मन में ना कोई पूर्वाग्रह, ना कोई भेदभाव, ना कोई छल कपट, और इतनी भोली होती है। संतान भले ही झूठा रो दे, मां को लगता है कि कदाचित वास्तव में भूख लगी होगी। मां चाहे जन्म देने वाली हो, चाहे पालने वाली, स्वर्ग, ये स्वर्ग हमें मां के चरणों के नीचे ही प्राप्त होता। किसी मां को हमारा शत शत प्रणाम। राधे। सहनशीलता मां का दूसरा सबसे बड़ा गुण। कहते हैं कि धरती से अधिक सहनशील और कोई नहीं। उसे खोदने के पश्चात भी धरती हमें फसल देती है, किंतु मां, ये मां धरती से कम सहनशील नहीं। तनिक सोचिए, 9 माह तक संतान को अपनी कोख में रखना, क्या ये सहनशीलता कोई पुरुष दिखा सकता? क्या ये सहनशीलता कोई पिता दिखा सकता? स्त्री में शील भले, सहनशीलता की परिभाषा उसे मां बनने के पश्चात प्राप्त होती। स्वयं का अस्तित्व भुलाकर संतान का अस्तित्व बनाती, शिशु की लात खाकर भी आनंद से उसे दूध पिलाती, ये होती है मां। और इसी मां जननी को हमारा शत शत प्रणाम। राधे। मां का एक और सबसे महान गुण, स्वयं को ढालने की अद्भुत शक्ति।
जिस प्रकार एक माँ स्वयं को ढाल सकती है और कोई नहीं कर सकता, माँ एक महानदी की भांति है जिसकी ऊर्जा असीमित है किंतु अहंकार बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार एक नदी ढलान के अनुरूप मुड़ जाती है, उसी प्रकार एक माँ अपने संतान के अनुरूप ढल जाती है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, उसके सोने के समय के अनुरूप स्वयं का सोना, उसके जागने के समय के अनुरूप स्वयं का जगना, संतान की इच्छा का भोजन वो स्वयं का मनपसंद भोजन बना लेती। ये मां का आचरण ही तो है जो धूप में छांव बनकर आता है, जो शीत में कंबल बनकर आता है। मां मां ऐसी होती है कि संतान की निद्रा ना टूटे, इसलिए एक करवट सोने का अभ्यास कर लेती और इतना स्वयं को केवल वही ढाल सकती है जो संतान की ढाल बन सकती। इसी मां को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। मां के दो और सबसे महान गुण साहस और संबल। साहस ये कि वो अपने संतान के लिए कुछ भी कर सकती, और संबल ये कि वो अपनी संतान को कभी टूटने बिखरने नहीं देती। तनिक सोचिए, जब भी आपको चोट लगती है, चीख से पूर्व मां का नाम मुख में क्यों आता है? तनिक सोचिए, जब आपको बल की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता होती है, आगे आप अपना मार्ग देख रहे हैं जो अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है, तब मुख से मां की ही शपथ क्यों निकलती? क्योंकि मां ही है जो हमें साहस देती है, मां ही है जो हमें सहारा देती है, मां जानती है कैसे हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाना है, मां ये भी जानती है कि कैसे कान पकड़ के हमें उचित मार्ग पर लाना है। इसी साहसी मां को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। कभी आपने सुना है, हिरणी सिंह से बचने के स्थान पर उससे जाके लड़ पड़ी, हिरणी ने सिंह पर आक्रमण कर दिया। कभी सुना है? कभी नहीं, किंतु ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है, और ये होता तब है जब हिरणी के शावक संकट में हो, जब उन्हें सिंह से प्राणों का संकट हो, तब हिरणी भी आके सिंह से लड़ पड़ती है, उसे भिड़ पड़ती है, क्योंकि वो मां है और मां अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। ये ममता है, ये जितनी कोमल हो सकती है उतनी ही कठोर भी हो सकती है, और अपने संतान के हित के लिए वो क्रोध की पराकाष्ठा पार करते हुए अपने संतान की सुरक्षा करके ही रहेगी, और इसीलिए तो मां संतान के जीवन के सबसे बड़ी ढाल कहलाती। इसी मां को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। करुणा। करुणा वो भाव है जिससे संसार के सारे भाव जन्म लेते हैं, और ये समस्त संसार ये मां से जन्म लेता है। मां वो व्यक्ति है जो करुणा का सागर है, संतान को देखकर ही समझ जाती है कि उसकी विडंबना क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। संतान के नेत्रों में यदि अश्रु दिखे, वो देखकर ही समझ जाती है कि उसके शरीर के कौन से भाग में उसे चोट लगी है। संतान के बिना कहे मां समझ जाती है कि आज भोजन में संतान क्या खाएगी। ये होती है मां। मां करुणा का सबसे बड़ा रूप है, और आज के युग में मनुष्य जो है थोड़ा भी आगे क्यों ना निकल जाए, मां को तो पीछे ही छोड़ देता, मां को भूल ही जाता है। ये भूल आप कभी ना करें, कभी ना करें, क्योंकि मां वो करुणा है तो यदि आपके जीवन से चली गई, उसके पश्चात आप जीवन अवश्य जिएंगे, किंतु कभी जीवन जी नहीं पाएंगे। उसके पश्चात आपके जीवन से आपका ये मूल्यांकन, आपके जीवन से करुणा का ये भाव,
ये भी आप खो दोगे। आपकी माँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि माँ को खो दिया तो समझ लीजिए सब कुछ खो दिया। इसलिए माँ को सदैव स्मरण रखिए, सदैव उसे प्रेम दीजिए और मेरे साथ कहें राधे राधे। आज विजयदशमी वो दिन है जब श्री राम ने रावण का वध, वो दिन है जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। लोग कहते हैं कि अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। इसे देखने का एक और रूप भी, जी हाँ, ये प्रेम के विजय का भी प्रतीक है, ये परिवार के विजय का भी प्रतीक है। आपको तो ज्ञात होगा ही कि रावण महाज्ञानी था, महाशक्तिशाली था, महादेव का परम भक्त था रावण। अब जो व्यक्ति कैलाश पर्वत उठा सकता था, वो व्यक्ति स्वयं एक कटे हुए वृक्ष की भांति श्री राम के चरणों में गिरा हुआ था। क्यों? क्योंकि राम के साथ लक्ष्मण थे, वही रावण के साथ विभीषण भी नहीं था। एक और परिवार में बढ़ता प्रेम था तो दूसरी ओर परिवार में बढ़ती दरार। स्मरण रखिए, यदि संसार पर विजय प्राप्त करनी है तो सर्वप्रथम परिवार में प्रेम बनाए रखना होगा। परिवार में केवल प्रेम बढ़ाइए, द्वेष कभी नहीं। आप सदैव सुखी रहेंगे और जीवन की हर बाधा पर आप विजय प्राप्त करें। राधे। देखिए, कल जो आने वाला है उसके लिए आज को व्यर्थ करना अनुचित। हमें इस प्रकृति से यही सोच, यही सीख पानी चाहिए। आज का ये क्षण ये कल नहीं आएगा और कल जो क्षण आने वाला है वो आज को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। बस इसी सीख को ध्यान में रखते हुए आप सभी निश्चिंत रहिए। जीवन क्या है? ये जीवन, हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, फिर उनके धन से हमारा बालपन बीतता है, फिर हम बड़े होते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, हमारी संतानें होती हैं, हम उनको पालते हैं, फिर हम वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन है? आता होगा ये प्रश्न मन में कई बार, है ना? अब तनिक जल की यात्रा देखिए। सागर से भाप बनकर उठता है, मेघ बनकर बरसता है, फिर नदी बनकर पुनः सागर में समावेश करता है। तो कभी ये प्रश्न नहीं करता कि उसका जीवन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। हर भाव जीता है और दूसरों के लिए जितना बन सके देता जाता। जब सागर में होता है तो असंख्य जल जीवों को जीवन देता है, जब सागर से भाप बनकर मेघ बनता है तो किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उपजेगी, जब वर्षा बनकर बरसता है तो इस सूखी प्यासी धरा को सींचता है, और जब नदी में होता है तो किनारों पर वनस्पतियों को जन्म देता है। तो सोचिए, क्या जल कभी ये सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, वो बस अपना धर्म करता जाता और जितना हो सके सबको आनंद देता जाता। इसलिए जीवन में कभी ये प्रश्न मत कीजिएगा कि ये जीवन क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। बस इस जीवन को जी और जितना हो सके उतना सबको आनंद दे। मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। कभी वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप अपने घर गए? पादुका पहनने के कारण आप
उस कीचड़ से तो बच जाते, किंतु उन पादुकाओं द्वारा उड़ने वाली कीचड़ की बूंदे आपके वस्त्रों को मैला कर ही देती। किंतु फिर भी उन बूंदों से आपके वस्त्र मैले हो जाएंगे, इस कारण से आप पादुका पहनना तो नहीं छोड़ते। इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं पादुका की भांति, जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, किंतु वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण से मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं, आवश्यक है ये सोचना कि आपको आपके पाव कीचड़ से बचाने या आपके वस्त्र। जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, किंतु हर बात को यदि गंभीरता से लेने लगोगे तो जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। यह संसार अनित्य है, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं जो सदा के लिए जीवित रहेगा। तो जब तक ये जीवन है, संतोष और आनंद से जी। स्वयं पर छिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान ना दे, बस आनंद बांटते रहे। मन प्रसन्न होकर बोले, राधे। व्यक्ति को जब अपने प्रेम को खो देने का भय होता है, तो वो अपने प्रेम को इतने कस के पकड़ कर रखता है, प्रेम को ही पीड़ा होने लगती है। प्रेम पा तो लेता है, किंतु उसे कैसे सहेजना है ये जब उसे नहीं समझ आता, तब वो उस प्रेम पर स्वामित्व पाने का प्रयास करता है, और यही जन्म लेती है असुरक्षा की ये भावना, ईर्ष्या। तो एक लंबे वियोग के पश्चात दो प्रेमी एक दूसरे से पुनः मिलते हैं, तो सबसे पहला भाव जो उनके मन में आता है वो ये कि कैसे एक क्षण के लिए भी अपने प्रेमी को स्वयं से दूर न जाने दो, कैसे अपने जीवन का एक एक क्षण अपने प्रेमी के साथ बिता। प्रयास ये रहता है दाव, इन दो प्रेमियों के मध्य में कोई भी ना आ पाए, और जब ये नहीं हो पाता तब जागती है ईर्ष्या। परीक्षा एक ऐसी व्यवस्था जिससे मुझे आपको सबको कहीं ना कहीं दो चार होना ही पड़ता है। स्मरण कीजिए अपना बालपन, आप परीक्षा देने बैठे हैं। अब कुछ बालक ऐसे होते हैं जो वर्ष भर परिश्रम करते हैं, पढ़ते हैं, मन से परीक्षा देते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपने आसपास बैठे बालकों की नकल करते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो जाते हैं। बुरा लगता है ये सोचकर कि कोई बिना किसी परिश्रम के परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हो सकता है। किंतु स्मरण रखिएगा, जो नकल करते हैं वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, सफल नहीं, क्योंकि वो नकल करते हैं बिना प्रश्न को समझे, बिना उत्तर का तरीका निकाले। यही हमारे साथ भी होता है। हम हमारे जीवन में दूसरों को देखते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनकी भांति बनने का प्रयास करते हैं, किंतु ना हमारे जीवन में सफलता आती है, ना आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हम एक विशेष बात भूल जाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व भिन्न होता है। आप दूसरों की नकल करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, किंतु यदि अपने जीवन में सफलता लानी, यदि अपने जीवन में आनंद लाना है, तो स्मरण रखिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर जीवन में स्वयं को ही खोजना होगा। राधे राधे। मनुष्य को जब सफलता मिलती है, तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य अक्सर एक बात भूल जाता है, झुकना। सोचता है कि मैं किसी के समक्ष क्यों झुकूं,
और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य एक महत्वपूर्ण बात भूल जाता है, इस संसार में, इस जीवन में उसने जो भी प्राप्त किया है झुक कर प्राप्त किया। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुक कर गिर कर, बड़ों का आशीष लिया तो झुक कर, किसान को फसल काटने के लिए झुकना पड़ता, कुएं से पानी निकालने के लिए पात्र को झुकना पड़ता, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष सुरक्षित कैसे रहते, झुक कर। सम्मान कैसे पाया जाता, झुक कर। किसी के समक्ष झुकने का अर्थ स्वयं का आत्मसम्मान खो देना नहीं, उसका अर्थ होता है विनम्र। हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की आवश्यकता नहीं, बस जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे। राधेर, आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर ही आपको स्मरण करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई भी नहीं देते, किंतु जैसे ही उनके आपके सहायता की आवश्यकता पड़ती है हाथ जोड़कर आपके सामने सज्ज रहते हैं। बड़ा क्रोध आता है ना इन, मन खिन्न हो जाता, मन से ये स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता न करें, किंतु आप ऐसा कभी मत कीजिए। आप सोचेंगे क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, स्मरण रखिएगा, दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल ना हुई, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित हुई। भाग्यवान समझिए खुद को कि किसी को आवश्यकता पड़ने पर आपकी याद आ, कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य है। इस जीवन में किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण ना बदले, बस ये दृष्टि रखिए स्वयं के।